हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 77 करेंगे। क्लास 9th की है। इमेजिन यू आर ब्रूनो। अपने आप को ब्रूनो द बियर समझे और अपनी लव स्टोरी बताएं किसी भी एनिमल या किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ। तो आप बहुत ही उसके संग अच्छे से रह रहे थे, किसी ह्यूमंस के साथ, तो तभी आपको जू में भेज देता है कोई, और वहां पे आपकी बहुत केयर की जाती है, पर आप एलोन होते हैं, तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? तो हम लिखेंगे, डियर डायरी, इफ आई वॉज इन द प्लेस ऑफ द ब्रूनो, अगर मैं ब्रूनो की प्लेस होता तो द ब्रूनो जो बियर था अलोंग इन द केज अवे फ्रॉम माई रिलेटिव। तो जो ब्रूनो द बियर था वो क्या होता, वो अकेला जेल में रहता अपने रिलेटिव्स और अपने एनिमल्स जिससे वो लव करता है उनसे, जिनका उससे ग्रेट बॉन्ड ऑफ लव है। आई फेल्ट सो बैड, मैं बहुत ही बुरा लगता मुझे अगर मैं ब्रूनो होता। आई विल नॉट ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खाता, और हमेशा थिंक करता रहता है अबाउट देम, ओनली बच्चों के बारे में। सो ऑल द थिंग्स हैपन विद मी, ये सभी चीजें मेरे संग हुई ब्रूनो के साथ जो हुई है, तो ये सभी थिंग्स ब्रूनो के साथ हुई होंगी। सो मैं बहुत ही बैड फील किया, नाउ आई एम स्लीपी, पर अब मुझे नींद आ रही है। प्लीज डायरी डू नॉट शेयर माई सीक्रेट्स विद एनीवन, गुड नाइट। इस तरह से अब खत्म कर देंगे। अब दूसरी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। इस राइटिंग प्रैक्टिस में एक वेदरिंग द स्ट्रोम इन इरासामा आपने चैप्टर पढ़ा, अब अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको बताना है प्रशांत कैसा बंदा है। ब्रेव है, लीडर है, सेंसिटिव है, एम्पैथेटिक है, यंग, अंडरस्टैंडिंग, इन सब वर्ड्सों का यूज करके। प्रशांत इज अ वेरी ब्रेव यंग टीनेजर, वो एक टीनेजर है, बहुत ही अपन ब्रेव है। व्हेन देयर वाज अ फ्लड, जब बहुत ही बाढ़ आई तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने लोगों की हेल्प करना सोचा। ही इज वेरी मैच्योर, वो बहुत ही मैच्योर हो चुका था, करेजियस, बहुत शक्तिशाली था, ब्रेव था और सेंसिटिव था। उसने कैंप बनाए लोगों के लिए, उसका नेचर जो था वो उनकी तरफ केयर था। ही इज एम्पैथेटिक, वो सहानुभूति था, बहुत सहानुभूति देता था लोगों को, केयरिंग था, केयर करता था, अंडरस्टैंडिंग था नेचर में। फॉर द फूड पैकेट, फूड पैकेट्स के लिए उसने सिंबल दिया, एक क्रिएटिव वेल कम्युनिकेटिव सिंबल, जब उसने थाली रख के पेट पे सिंबल दिया था तो सिंबल बहुत अच्छा था उसका, वो इससे क्रिएटिव वेल भी दिखता है। ही इज ऑल्सो सेल्फलेस, वो अपने बारे में सोचता भी नहीं है, और आई थिंक मैं ये कहूंगा कि ही इज वेरी मैच्योर एंड यंग लीडर। तो इस तरह से आप वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड